आरोप लगाने की राजनीति में केजरीवाल माहिर हैं और माहिर इस कदर हैं कि हर बार आरोप लगाकर मुंह की खाते हैं। तभी तो राजनीतिक जीवन से लेकर सोशल साइट्स तक अपनी बेइज्जती कराते रहते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये सोशल साइट्स के ट्वीट कह रहे हैं जो केजरीवाल को माफी मांगने के लिए बाध्य कर रहे हैं, क्योंकि माफी तो बनती है। केजरीवाल ने जो आरोप लगाए थे देश के निर्वाचित और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, वो 100% झूठ निकल आया। पहले आपको सुनाते हैं, क्योंकि केजरीवाल पलटने में माहिर है और ये न कह दें कि मैंने बोला ही नहीं था, इसलिए सुनिए जरा केजरीवाल का आरोप। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने एफिडेविट में कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया और गुजरात यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, प्रतिभा फॉर्मल एजुकेशन की मोहताज नहीं है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने कम शिक्षा प्राप्त की हो फॉर्मल एजुकेशन में, वो भी बहुत प्रतिभावान हो सकता है। अन्ना हजारे जी की एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, पर वो कितने ज्ञानी व्यक्ति हैं। इशू वो नहीं है, इशू दो उठ के आ रहे हैं यहाँ पे, कि एक तो जब निकल के आ रहा है कि उन्होंने बीए भी नहीं की है और उन्होंने एमए भी नहीं की है, दोनों ही डिग्रियाँ फर्जी हैं उनकी। तो एक तो उन्होंने झूठ बोला पूरे देश के सामने, उन्होंने एफिडेविट के ऊपर झूठ बोला, और तीसरा जो डिग्रीज निकल के आ रही हैं वो फोर्ज्ड हैं, वो फर्जी हैं, ये धोखाधड़ी का मामला है। तो अगर प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगे, 420 का आरोप लगे, तो ये बहुत ही संगीन मामला है। इशू ये है, इशू ये नहीं है। कोई कुछ लोग कह रहे हैं जी आप क्यों मुद्दा उठा रहे हो, छोटा मुद्दा है। बात वो कितने पढ़े लिखे हैं इसकी नहीं है। अगर वो 10वीं भी पास होते, 12वीं पास हैं वो, तो 12वीं पास हैं अगर वो, हमें मंजूर हैं 12वीं पास प्रधानमंत्री, हमें मंजूर है। लोगों ने उनको जम के वोट दिया, लोगों ने उनको, उनके ऊपर यकीन किया, विश्वास किया, लोगों के उस विश्वास की, उस मैंडेट की हम कद्र करते हैं। लेकिन जो पूरा धोखाधड़ी का और झूठ का मामला, 420 का मामला सामने आ रहा है, वो बड़ा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हमने अपने स्तर पे सारी छानबीन करा ली, अंदर डिपार्टमेंट्स के अंदर, जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वॉलंटियर्स काम कर रहे थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारे लोग थे, कई सारे कागज़ों की कॉपी आज हमारे पास है। पूरी जिम्मेदारी के साथ परसों से मैंने बोलना चालू किया, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चालू किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना तो उनका एनरोलमेंट फॉर्म है, ना एनरोलमेंट रजिस्टर में उनका नाम है, ना उनको डिग्री मिली है, ना स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में उनका नाम है, कहीं भी उनका नाम नहीं है। सारी छानबीन के बाद एक नरेंद्र मोदी मिले हैं जिन्होंने 1975 में एडमिशन लिया था, वो अलवर के नरेंद्र मोदी हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1958 है, जबकि हमारे नरेंद्र प्रधानमंत्री जी का डेट ऑफ बर्थ 1950 है। सो वो बिल्कुल अलग है नरेंद्र मोदी जी। आप आज मुझे पता चला कुछ मीडिया वाले उनको ढूंढ भी लाए हैं, उनकी बाइट वाइट चला रहे हैं उनकी, जो वो अलवर वाले नरेंद्र मोदी हैं वो भी मिल गए हैं और वो कह रहे हैं हाँ मैंने डिग्री ली थी वहाँ से। सो ये मामला उसका बनता है जो कि बहुत गंभीर मामला है, और मैं मीडिया के साथियों से निवेदन करना चाहूँगा थोड़ी हिम्मत दिखाइए और इसको। आरोप तो आपने सुन लिया, अब इसकी सत्यता भी देख लीजिए जो जग जाहिर है। कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अमित शाह और अरुण जेटली ने नरेंद्र मोदी की डिग्रियों को सार्वजनिक किया और केजरीवाल को देश और देश के पीएम से माफी मांगने के लिए कहा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज प्रधानमंत्री जी की शैक्षणिक पात्रता के लिए इस प्रकार की प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है। कुछ दिनों से श्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया में, मीडिया में, और सूचना आयुक्त को और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर बार बार एक झूठ को सच साबित करने का प्रयास किया और पूरे देश के जनमानस में एक भ्रांति फैलाने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी हैं, सच नहीं है।
जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की है। मुझे कहते हुए भी बहुत खेद हो रहा है कि इस प्रकार की बात के लिए हमें स्पष्टता करनी पड़ रही है। सार्वजनिक जीवन का स्तर कितना गिराया जा सकता है, इसका अगर कोई एक उदाहरण नदी के इतिहास में ढूंढना है तो इसके बराबर का नहीं मिलेगा। श्री केजरीवाल ने न केवल सार्वजनिक जीवन का स्तर गिराया है, दुनिया में देश का नाम, जिसको कह सकते हैं बदनामी देने का भी एक बहुत बड़ा पाप किया है। और मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल जी ने देश और दुनिया की दोनों की माफी मांगनी चाहिए। जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि डिग्री आप फर्जी हैं, तो इतना बड़ा सवाल आपने कैसे खड़ा कर दिया? किस सूचना के आधार पर आपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसी चिट्ठी लिखी? किस सूचना के आधार पर मीडिया के लोगों को गुमराह किया? किस सूचना के आधार पर देश की जनता के मन में भ्रांति फैलाने का प्रयास किया? इसका भी केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर जवाब देना चाहिए, देश के सामने आकर जवाब देना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद तो सोशल साइट्स पर केजरीवाल से सॉरी ट्रेंड करने लगा और लोगों ने केजरीवाल का जमकर मजाक उड़ाया। नितिन त्रिपाठी ने तो एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें केजरीवाल सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से माफी मांगते दिखे और ये लिखा था कि सॉरी मैम, ट्राइड बेस्ट बट फेल्ड। तो वहीं पुनीत शर्मा ने एक ट्वीट पर सोनिया गांधी के सर्टिफिकेट को दिखाया जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी की थी, जिसमें केजरीवाल के हस्ताक्षर थे। ये फेहरिस्त इतनी लंबी है कि आप ट्विटर पर खुद देख सकते हैं। हम आपको इन ट्वीट्स की एक झलक दिखाते हैं, आप खुद देखिए और समझिए कि कैसे केजरीवाल अब बस एक मजाक का पात्र ही बनकर रह गए हैं, क्योंकि इनके आरोपों में न तो कोई दम होता है और न ही तथ्य। ऐसे में झूठ बोलने पर फंसना तो बनता ही है। ऐसे में यही कह सकते हैं कि बार बार कहने से झूठ सच नहीं बन जाता और सच हमेशा सीना तान कर सामने आता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।